हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश श्रीवास्तव फिर से आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक नया वीडियो में लेके, जो कि मेटावर्स पे आधारित है। मेटावर्स एक बहुत अभी एक इट बिकेम वन ऑफ द हॉट टॉपिक इन आईटी इंडस्ट्री नाउ। लोग इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं, बड़ी बातें कर रहे हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ये मेटावर्स है क्या, कैसा ये दिखता है, ऐसा ये लगता है, और जो ये आपके लिए एक शॉर्ट जो ये मैंने क्लिप बनाई है, ये आपको बहुत कुछ हद तक एक पिक्टोरियल एक रिप्रेजेंटेशन आपको दे रहा होगा कि व्हाट इज इट्स ऑल अबाउट। आप इसको गेस कर सकते हैं कि मेटावर्स क्या हो सकता है। तो आइए इसके बारे में चर्चा हम करते हैं, और उससे पहले ये जानते हैं कि मेटावर्स इतना पॉपुलर सडनली कैसे हो गया, ऐसा क्या इवेंट हुआ कि सडनली पीपल स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट मेटावर्स, इस पे आर्टिकल बनने लग गए, इस पे वीडियोस बनने लग गए, और मैं खुद आज आपके सामने मैं हाजिर हूँ ये वीडियो लेके। तो ऐसा हो क्या गया, इसकी क्या जरूरत आ गई? तो जो वो इवेंट था वो ये था दैट वन ऑफ द पॉपुलर सोशल मीडिया जॉइंट फेसबुक, मार्क जकरबर्ग, ही हैज डिसाइडेड टू चेंज द नेम ऑफ हिज कंपनी From Facebook to Meta। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, Meta बना दिया उन्होंने, ये बहुत बड़ी बात है। अपने इंडिविजुअलिटी जो होती है वो नाम से जाहिर होती है, और नाम को ही बदल देना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इवेंट है ना, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के लिए ही क्यों ना हो, ये तो फिर Facebook है ना। तो Facebook ने अपना नाम बदल के Meta कर दिया, राइट? क्यों कर दिया? जरूर इसमें कोई बात होगी, जरूर ये कुछ ऐसा होगा जो कि एक रिवॉल्यूशन लाने के काबिलियत रखता होगा। और जी हां दोस्तों, ये जरूर वो काबिलियत रखता है। तो मैं आपको बताता हूं ये टर्म आया कहां से, क्या ये नया टर्म है, क्या ये फेसबुक ने ही लॉन्च किया है, क्या ये किसी फेसबुक में कोई एक साइंटिस्ट है उन्होंने किया है, या किसी और कंपनी के किसी एक साइंटिस्ट ने किया है? नहीं, आपको जान के ये थोड़ा सा एक हैरानी होगी कि मेटावर्स का टर्म दिया है एक अमेरिकन नॉवलिस्ट, वन ऑफ द ग्रेट अमेरिकन नॉवलिस्ट नील स्टीफेंसन ने। और जानते हैं कब दिया है? 1992 में, 1992, ही हैज गिवन दिस टर्म, ही हैज एनविजन्ड दैट इट विल बी वन ऑफ द सक्सेसर ऑफ इंटरनेट। जी हां, 1990 में इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आ चुका था। जी हां दोस्तों, इंटरनेट का रिवॉल्यूशन आ चुका था, वो जगह जगह अपने पैर पसार रहा था, जगह जगह अपनी छाप छोड़ रहा था, राइट? इट स्टार्टेड मेकिंग इट्स फुटप्रिंट्स 90s। तो इस नॉवलिस्ट ने उस समय ये सोचा कि अगर ये कभी अपने हाइट ऑफ डेवलपमेंट पे जब पहुंच जाएगा, पीक पे जब पहुंच जाएगा, उसके बाद क्या होगा, What will be the next development that might come after internet? इंटरनेट का उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उन्होंने इस चीज की परिकल्पना करी थी, और उन्होंने इसको बोला मेटावर्स। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, वर्स का मतलब होता है एवरीथिंग, बियॉन्ड एवरीथिंग मतलब जो कुछ भी आप सोच पाए, जो कुछ भी आप करते हैं, सब कुछ उससे भी बियॉन्ड अगर कुछ है या हो सकता है तो वो मेटावर्स कहलाएगा। और आज हम 2022 में ये कह सकते हैं इंटरनेट अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुका है, जितना कुछ इंटरनेट में डेवलपमेंट हो सकता था वो किया जा चुका है। मैं इंप्रूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इंप्रूवमेंट तो दोस्तों हर टेक्नोलॉजी में हर दिन हो सकता है, और वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, वो होता ही रहेगा, राइट? मैं बात कर रहा हूं इनोवेशन की। इंटरनेट में जितने इनोवेशन होने थे वो आज सैचुरेशन मोमेंट में आ चुके हैं, अब जरूर एक नेक्स्ट वेव आएगा 100%। लोग ये कह रहे हैं वो अगला वेव होगा मेटावर्स। और मेटावर्स क्या है मैं समझाता हूं आपको, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी जो चीजें हैं वो ऑलरेडी इस वर्ल्ड में आ चुकी हैं। वो क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी का मतलब होता है एक वो रियलिटी जो हकीकत में है नहीं मगर है। वर्चुअल का मतलब होता है वो चीज जो एग्जिस्ट नहीं करती है मगर करती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, है ना? जैसे कि गॉड, राइट? वी हैवंट सीन हिम, वी कैन ओनली
इमेजिन कि हाँ कुछ एक होगा, एक सुपर नेचुरल पावर एक होगी, राइट, जो ये सन चला रही है, जो मून चला रही है, जो पूरे एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर रही है, बट वो वर्चुअल है मगर फिजिकली हमें दिखते नहीं है। तो कोई भी वो चीज जो आपकी फिजिकली ना दिखे मगर है, आपके टच में है, उसको बोलते हैं वर्चुअल। और वर्चुअल रियलिटी ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जो आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे जो फिजिकली प्रेजेंट ना हो मगर आप उसे एक्सपीरियंस कर पाए, वो कहलाता है वर्चुअल रियलिटी। और कोई भी ऐसा आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम पे किसी से बात करते हैं, आप किसी से वीडियो कॉल पे बात करते हैं, वो सब एक वर्चुअल रियलिटी का हिस्सा है, वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि आप जिससे बात कर रहे होते हैं वो आपके सामने वो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता है। तो दोस्तों, ये वर्चुअल रियलिटी यस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बट उसकी लिमिटेशन क्या है, वो गेमिंग में केवल ज्यादा उसका डोमिनेंस है, गेमिंग इंडस्ट्री, नॉट एवरीवेयर, राइट। जैसे कि शॉपिंग आप वर्चुअली नहीं कर पा रहे हैं अभी, मतलब 3D ऑब्जेक्ट के एनवायरमेंट में आप शॉपिंग नहीं कर पा रहे हैं, 3D एनवायरमेंट में आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात नहीं कर पा रहे हैं। 3D कब होगा? आप जैसे इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं, ये सब ऑब्जेक्ट्स आपको 3D में नजर आ रहे होंगे। जब ऐसे ही आपको लोग 3D में जब दिखाई देने लग जाएं, तो आपको वहां पे क्या लगेगा कि यस, ये एक वर्चुअल रियलिटी है। मैं अभी ये बोल रहा हूं, मैं अगर आपके सामने, आपके टेबल के बीच में, आपके टेबल के बगल में कहीं आसपास में खड़ा रहूं, आपको मैं दिख रहा हूं और तब ये वीडियो मैं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मेरा वो एक वर्चुअल इमेज है जो आपके वो सामने, डेट इज वॉट द हाइट ऑफ द वर्चुअल रियलिटी जो मेटावर्स लाने की कोशिश कर रहा है। मेटावर्स ये कोशिश कर रहा है कि गेमिंग के अलावा और भी जितने डोमेन है, हमारा डे टू डे रूटीन, हमारा डेली लाइफ, सब कुछ हम वर्चुअली हैंडल कर सकते हैं। वो बोल रहा है आई विल प्रोवाइड यू अनदर अल्टरनेटिव ऑफ रियलिटी। आप जो कुछ भी रियलिटी में आप करते हैं, शॉपिंग, ईटिंग, प्लेइंग विद द फ्रेंड्स, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, गोइंग एंड वॉचिंग द मूवी, कुछ भी आप जो कर रहे हैं उसका आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो कि आप वो रियल में कर रहे हैं, बीइंग ऑन योर सेम प्लेस। आप शॉपिंग मॉल में नहीं गए हैं मगर आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि आपको ये फील आ रहा है कि यू आर इन द शॉपिंग मॉल। वहां पे सेंटर्स हैं, वहां पे शोरूम्स हैं, आप जा रहे हैं और डिजिटल करेंसी सामान खरीद रहे हैं। और ये एनवायरनमेंट आपको महसूस कराएगा कौन? एक डिवाइस, राइट, एक वर्चुअल डिवाइस। आप इस वीडियो पे आप ये देखिए, जो इस लड़के ने ब्लू जो कैमरा लगा रखा है, ये VR कैमरा जो लगा रखा है, ये एक तरीके का डिवाइस है। आप सबने ये कैमरा बहुत जगह पे देखा होगा। फिलहाल अभी यही माना जा रहा है कि यही जो कैमरा होगा वो इनेबल करवाएगा मेटावर्स, एक वर्चुअल वर्ल्ड में एंट्री हमारी। अगर हम ये डिवाइस हम लगा के हम किसी भी मेटावर्स इनेबल हम डिवाइस से इंटरेक्ट करेंगे तो वो हमें वो एक्सपीरियंस देगा, मैंने आपको जैसा बताया, वर्चुअल एक्सपीरियंस, 3D एक्सपीरियंस वो आपको देगा, ठीक है। ऐसा कहा जा रहा है मेटावर्स में। और इसमें एक टर्म निकल के आया है, डिजिटल अवतार। डिजिटल अवतार क्या है ये दोस्तों? डिजिटल अवतार एक वो चीज है कि जैसे मैं यहां पे एक फिजिकली ह्यूमन बीइंग हूं हार्ड मास का, अगर मेरा ये जो स्वरूप है ये आपको वर्चुअली आपके घर में, या जितने भी लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर उनको मेरा एक वर्चुअल रूप वहां पे दिखाई दे तो मेरा वो एग्जिस्टेंस कहलाएगा मेरा डिजिटल अवतार। मींस वो मैं हार्ड मास का नहीं हूं बंदा, मैं वहां पे वर्चुअली प्रेजेंट हूं। आप हूबहू मेरे जेस्चर, पोस्चर, मेरा रंग रूप, मेरे आंख नाक कान हूबहू आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैं वो हूं नहीं। ये जैसे ये वीडियो में आप देखिए, मार्क ज़करबर्ग का डिजिटल अवतार है, ये ऑफिस में जो ये लोग बैठे हैं इनके डिजिटल अवतार हैं, ये एक्चुअल वहां है नहीं, मगर सबने कहीं ना कहीं फिजिकली ये VR कैमरा लगाया हुआ है और मेटावर्स एनवायरमेंट के थ्रू वो वर्चुअली अपने लोगों से इस तरीके से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मानो कि वो ऑफिस में बैठे हों। इस तरीके की ऑब्जेक्ट को बोला गया डिजिटल अवतार, और डिजिटल अवतार के जरिए वो मेटावर्स को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं हर जगह। आपका ऑफिस, आपका काम, आपका वर्कआउट, आपका घूमना, आपका फिरना, आपका एंटरटेनमेंट, आपका डिजिटल
ट्रांजेक्शन कुछ भी बोल लीजिए आप, जो चीज आप सोच सकते हैं वो सब वर्चुअल रियलिटी में ये करवाना चाह रहे हैं। अब ये तो हो गया कि मेटावर्स है क्या, ठीक है राइट, लेकिन क्या इसमें कोई चैलेंजेस नहीं है? क्योंकि ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम अपने हम जगह पे बैठे बैठे हम वर्चुअली हम चीजों को एक्सपीरियंस करेंगे। इंटरनेट पे अभी आप ब्लॉग आप पढ़ते थे, मेटावर्स बोलता है नहीं, वो ब्लॉगर खुद आपके सामने प्रकट हो जाएगा एज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल अवतार और वो आपको ब्लॉग अपना पढ़ के सुनाएगा या उसके बारे में समझाएगा बताएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बोला ना बियॉन्ड इंटरनेट, लेकिन क्या इसमें कोई चैलेंज नहीं है? चैलेंज है, जरूर है। क्या चैलेंज है? सबसे पहला चैलेंज जो लोग बोल रहे हैं कि कितने वर्चुअल वर्ल्ड होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 कितने, या एक ही होगा? जैसे इंटरनेट तो एक ही है, वर्ल्ड वाइड वेब हम सब इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसा कुछ एक आएगा या मल्टीपल आएंगे? दूसरा, इसको रेगुलेट कौन करेगा? जैसे वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट आपका रेगुलेट होता है प्रोटोकॉल से, वो प्रोटोकॉल मैनेज होते हैं कहीं, एक इंस्टीट्यूशन उसको मैनेज करता है, एफिलिएशन उसका एक चलता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम वर्ल्ड वाइड वेब को रेगुलेट करता है, ऐसे ही इसको कौन रेगुलेट करेगा, कौन समझाएगा इसके स्टैंडर्ड्स, इसमें डेटा की प्रिवेसी कैसे होगी? मैंने जैसे कहा डिजिटल अवतार, कौन डिजिटल अवतार को ऑथेंटिकेट करेगा? वो जैसे मेरा डिजिटल अवतार है तो वो मैं ही हूं, मार्क जकरबर्ग का जो आप ये देख रहे हैं डिजिटल अवतार, ये उन्हीं का है कि नहीं? क्योंकि ये तो मल्टीपली बनाए जा सकते हैं, प्रिवेसी क्या होगी? ट्रांजेक्शन आप करवाएंगे, शॉपिंग आप करवाएंगे, उसमें लेन देन के लिए ट्रांजेक्शन के लिए एक सिक्योर पॉलिसी क्या होगी? दोस्तों ये अभी भी सारे जो क्वेश्चन के आंसर अभी नहीं दिए गए हैं, इट इज अंडर रिसर्च, बट एक बात तय है कि हर कोई इस रेस में लगा हुआ है। फेसबुक का मैंने आपको बताया ही, ये तो इतना डेस्परेट है इसने अपना नाम ही बदल के रख दिया, एप्पल इस पे काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इस पे काम कर रहा है, इस पे हर बड़े बड़े फॉर्म बहुत सारा पैसा रिसर्च ह्यूमन रिसोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जिसने इसमें पहला मार्क कर दिया ऑफकोर्स उसके आने वाला वो फ्यूचर और ब्राइट हो जाएगा, उसका रिलेवेंस मार्केट में स्ट्रांग हो जाएगा राइट। तो दोस्तों ये कुछ एक चैलेंजेस हैं, ये मेटावर्स कहलाता है, जो कि मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में मैंने आपको समझाया। डिजिटल अवतार क्या होते हैं मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाया। अब इसके आगे आपके और सवाल दिमाग में उठते हैं कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं जरूर उन सवालों का जवाब मैं दूंगा, और जरूरत पड़ेगी तो एक वीडियो और बनाऊंगा।